रेलवे में निजीकरण के विरोध में नरमू का विशाल विरोध प्रदर्शन। आज दिनांक 26 जून 2019 को रेलवे में निजीकरण और हाल ही में जारी रेलवे बोर्ड के 07 उत्पादन इकाइयों को निगम में बदले जाने आदेश के विरोध में रेल कारखाना गेट इजित नगर पर सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारी एकत्र हुए और निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। रेलवे बोर्ड के जारी इस आदेश के प्रति समस्त रेल कर्मचारियों में अत्यधिक रोष उत्पन्न हुआ है। विरोध प्रदर्शन नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत लाल चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया, जिस पर बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि भारत सरकार की नीतियां रेलहित में नहीं है। लगातार कारखानों एवं अन्य रेल निकायों पर निजीकरण किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने 7 उत्पादन इकाइयों को निगम में बदलने के लिए तुगलकी आदेश जारी किया है। इसे कर्मचारी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस आदेश का लागू हो जाने का मतलब है कि रेल कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी नहीं रहेंगे एवं उनको केंद्रीय कर्मियों के समान मिलने वाली सभी सुविधाएं वाम कर दी जाएंगी। यह कर्मचारी निगम के ट्रांसफर ऑफिसर एसोसिएशन, प्रमोटी ऑफिसर एसोसिएशन और आरपीएफ एसोसिएशन, ये सारे के सारे लोग एससी एसटी ओबीसी सब एक मंच पर खड़े हुए और भारत सरकार को झुकना पड़ा। और वो जो पास का इनकम टैक्स में शामिल करने का बजट था वो वापस देना पड़ा। अब फिर वो समय आ गया कि हम सबको एक मंच तैयार करना पड़ेगा। मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि